सीधे चलेंगे चंदेरी जिला अशोकनगर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मौजूद। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये 15,000 लोगों की आवाज है भाई साहब, 15,000 लोगों की आवाज है भाई साहब। चंदेरी के घर घर में जितने भी दिवस घर घर की आवाज है। तो सीधी तस्वीर दिखा रहे चंदेरी से जन्माष्टमी पर्व पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन और सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है और चंदेरी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो चंदेरी के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, सीधी तस्वीर हम आपको चंदेरी से दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी पर्व पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव चंदेरी पहुंचे, सीधी तस्वीरें आपको चंदेरी से दिखा रहे हैं। हमारी जो है मास्टर जो बच्चे आप
से बना हुआ खानी है, हमारे दादा के हाथ की खानी है। अच्छा, बहुत पुरानी है सर, 60 साल प्लस हो गए, और रियल जरी का साड़ी है। अच्छा, दादा के हाथ की साड़ी है, ओरिजिनल सोने की भी जरी की, बहुत खूबसूरत साड़ी है, 60 साल प्लस हो गए सर साड़ी। अच्छा, रियल जरी देख पाते
आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं चंदेरी जिला अशोकनगर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव है।
आगे चलेंगे चंदेरी। चंदेरी जिला अशोकनगर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मौजूद हुए। वो बराबरी का है, जीवन में सदैव मदद करो, लेकिन मदद पीठ पीछे से करना चाहिए, ये सबक भी भगवान कृष्ण ने दिया। और एक नहीं, मैं तो सुनाऊं तो पूरी रात सुनाता रहूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है। लोग कह रहे हैं आप जन्माष्टमी में रम गए, मेरे रमने ही चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण का जीवन ही ऐसा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज जन्माष्टमी है, लेकिन बाकी जगह की तुलना में मैं अशोकनगर के आज चंदेरी में यहीं आया हूं जन्माष्टमी मनाने, आपके बीच वो इतिहास के साथ जीने के लिए। जो इतिहास बताते हैं कि शिशुपाल का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास में दोहराऊंगा नहीं, सारी बातें आ गई है। भगवान कृष्ण ने क्या सबक दिया, अपने हाथ में बांसुरी भले ही हो, लेकिन बांसुरी अर्थात हमारी विनम्रता आनंद सब होना चाहिए, लेकिन अन्याय की एक सीमा के बाद व्यक्ति का जन्म दोबारा नहीं होता है और मृत्यु भी एक बार मिलेगी। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच जब भी मौका पड़े अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना, यही भगवान कृष्ण ने सदैव सदैव हमको पाठ पढ़ाया। इसलिए लोग कहते कि आप शिक्षा नीति में भगवान कृष्ण के पाठ क्यों ला रहे हो। अरे भगवान राम और भगवान कृष्ण के पाठ शिक्षा नीति में नहीं लाएंगे तो किसके लाएंगे। हमारा सौभाग्य है, ये शिक्षा नीति का हिस्सा बनना चाहिए, ये हमारे बच्चे इससे सीखे, हमारे अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें यहां हुई है, लेकिन आज मैं आया था अपने काम के लिए। अब मेरे मुझे मालूम नहीं कि यहाँ मुंगावली में कार्यक्रम कर रहा है वो चंदेरी वाला अलग है, मेरे को क्या मालूम, नहीं तो कहता एक ही जगह कर लो, दूसरी तरफ मत ले जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, जन्माष्टमी का दिन है, आज बहुत पवित्र दिन है, आप भी जो जो मांगोगे भगवान कृष्ण को साक्षी रख के सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा हमारे तिवारी जी ने भी चंदेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए, और जगन्नाथ सिंह जी ने भी कहा है, तो चंदेरी को पर्यटन का तीर्थ के रूप में घोषित किया जाता है। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास जहां से जुड़ा है, ऐसे सभी स्थानों को, केवल चंदेरी नहीं, जहां जहां भगवान ने लीला की सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है, चंदेरी को भी उसमें जोड़ा जाएगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके साथ साथ आपने कहा कि लक्ष्मण जी के मंदिर ले गए थे, वह जल झूलनी 11 में डोल आते हैं और डोल में वहां जगह नहीं है, आपको हाल वाल बनाना है, तो हमने कहा यहां भी हाल बनेगा और पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाए जाएंगे भगवान कृष्ण की गीता को अमर करने के लिए। हर नगरी निकाय में जहां जहां भी भगवान कृष्ण के जीवन के आध्यात्मिक चर्चा, परिचर्चा, ज्ञान चर्चा, अलग अलग कार्यक्रम, ये सब होना चाहिए। इसलिए सरकार के द्वारा हर स्थान पे गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की। मुझे बताया गया है ये मुस्कान बेटी ने कोई पर्वतारोहण में बहुत बड़ा काम किया, तो 4 लाख रुपए उसको भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसने बहादुरी का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपने कहा कि नई सराय में कॉलेज खोलने की घोषणा है, मुझे मालूम नहीं आबादी कितनी है, लेकिन 40 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं, आप कह रहे हो पर आबादी कितनी है, आबादी बहुत बड़ा एरिया है। चलिए कोई बात नहीं, परीक्षण करके आपके आधार पर वहां पर भी घोषणा करेंगे कि हमारे यहाँ भविष्य में महाविद्यालय बने, हमारे जगन्नाथ सिंह जी ने उसके बारे में कहा थोड़ा परीक्षण करने के बाद। आपने कहा कि ईसागढ़ में, मैं ईसागढ़ में क्यों, हम तो कोशिश कर रहे हैं एक्सीलेंस कॉलेज में, आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में, सभी जिलों में जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सबदूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा, यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा था, ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मुझे इस बात की प्रसन्नता। आपने कहा कि
कॉलेज में आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में सभी जिलों में जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सब दूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा, यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा है तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता, आपने कहा कि कार्यपालन मंत्री सहायक कार्यपालन जिला चलते आपको भोपाल, जहां पर सीएम मेयर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर है, सांस्कृतिक भवन की। अब मैं जेल महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं श्री गोविंद प्रताप सिंह साहब को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा प्रतिवेदन प्रस्तुति के लिए। मैं भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे पहले नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, अपर मुख्य सचिव श्री एसएन मिश्रा जी और यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, जेल के समस्त अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं एवं कैदीगण, आज अत्यधिक हर्ष व गर्व का विषय है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव जन्माष्टमी को मनाने के लिए हमारे बीच में प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्नेह हमें दिया है उससे मैं अभिभूत हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश के सभी 132 जिलों में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पहली बार हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इतने धूमधाम के साथ प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जा रहा है। इस जन्माष्टमी पर्व में सभी अधिकारी कर्मचारियों तथा बंदी की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। अभी लगभग एक माह पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंदियों के कल्याण हेतु उज्जैन में पूरी जेल का अनावरण किया था। मध्य प्रदेश की जेलों में ओवरक्राउडिंग को दूर करने के लिए तथा बंदियों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 132 नवीन बैरकों के निर्माण की स्वीकृति विगत एक दो माह के भीतर ही दी है। केंद्रीय जेल इंदौर व जिला जेल भिंड के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए 255 करोड़ की स्वीकृति भी अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई है। बुरहानपुर पुराना जिला होने के बावजूद वहां अभी तक जेल नहीं थी। बुरहानपुर में नवीन जेल की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से मऊगंज और मैहर की उप जेलों का उपनयन करते हुए उन्हें जिला जेल बनाने की स्वीकृति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। यह बताते हुए हम सभी जेल परिवार के लोगों को अत्यधिक हर्ष है कि इतना ज्यादा ध्यान विगत 10-20 वर्षों में शायद किसी ने ही दिया होगा जितना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। बंदियों के आध्यात्मिक विकास के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, हार्टफुलनेस, ईशा योग केंद्र, गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से आध्यात्मिक विकास के कार्यक्रम अभी विगत कुछ माह के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर बंदियों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने का कारागार अधिनियम 1894 को बदलकर माननीय
सीधे आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री निवास, जहां पर भोपाल में श्री कृष्ण उत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास से लेकर के बाकी आयुध प्राप्त करते हैं, विनम्रता भी कैसी होना चाहिए हमारे लिए आज भी सीखने लायक। उसी प्रकार से ऐसे कई पक्ष है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा की व्यवस्था में भी ऐसे कई सारे हमारे बीच में आज वर्तमान के दौर में जब कई सारे स्कॉलर इस पर रिसर्च करेंगे, आगे इनका अर्थ निकालेंगे, इससे बहुत सारी बातों की बाद में हो सकता है और भी नए नए तथ्य आएंगे। लेकिन आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है, मेरी अपनी ओर से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो खजुराहो से लोकप्रिय सांसद है, आपका अभिनंदन है। माननीय भितानंद जी संगठन महामंत्री, माननीय राकेश सिंह जी माननीय मंत्री, थोड़ी सी चोट पैर में लगी है लेकिन आपका मन का भाव है, आप इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हुए। माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद पूर्व मंत्री भारत सरकार श्रीमान सुरेश पचौरी जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, श्री नगर के हमारे अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब, हम सब मिलकर के आज यहाँ इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व के विविध पक्षों से उस आनंद में सरोवर हो रहे हैं जिसके कारण से हमारी अपनी संस्कृति युगों युगों से गौरवान्वित होती आई है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ की परंपरा है, हमेशा हर प्रकार के त्यौहार आनंद से मनते हैं और हमारा जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारा तो और सौभाग्य है, हमारे कई अलग अलग प्रकार के उनसे मध्यप्रदेश की धरती के उनकी लीलाओं के स्थल हैं, इसलिए भविष्य की दृष्टि से हमने कहा है कि हमारे अपने ऐसे उन स्थानों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है, ऐसे में हमारे इन स्थानों को तीर्थ बना करके उस इतिहास को जीवंत करने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको मंगल कामना, बधाई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी के साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान नीचे मंच के ग्रहण करें ताकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियों को आगे ले चलें। और जैसा कि आदरणीय देवी और सज्जनों आप सभी जानते हैं कि आज 5 प्रस्तुतियां होना है। सबसे पहली प्रस्तुति है नृत्य नाटिका, जिसे लेकर आई है सुश्री हर्षिता शर्मा इंदौर से। उसके बाद होगा मल्लखंब का प्रदर्शन, जिसे डॉक्टर आशीष मेहता उज्जैन से हमारे बीच लेकर आए हैं। उसके बाद स्वयं डॉक्टर मोहन यादव के करकमलों से मटकी फोड़ होगा। और जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया है, आप सभी की इच्छा के अनुरूप हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गीत का भी अनुरोध करेंगे। और उसके बाद होगा सागर का विश्व प्रसिद्ध बधाई नृत्य, जो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इसके बाद होगा मयूर नृत्य, फूलों की होली लठमार होली, जिसे लेकर आई हैं बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार सुश्री जया सक्सेना वृंदावन से। और सबसे आखिरी में होगा श्री राज पारिक का गायन, जो कोलकाता से हमारे बीच आ रहे हैं। आइए आपको परिचय करवाता हूँ हर्षिता शर्मा जी से। हर्षिता शर्मा एक अग्रणी युवा कथक नर्तकी हैं, अपने पद्मश्री राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं कालिदास सम्मान से सम्मान। प्रभु श्री राम की तपभूमि चित्रकूट में भगवान बांके बिहारी जी के प्राचीन मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उबेदुल्लागंज में भगवान श्री कृष्ण की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में धार्मिक बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा वार्ड 3 खिल्लीखेड़ा के राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए ग्राम विसनखेड़ा पहुंची।
बुधनी में श्री राधा कृष्ण मंच के तत्वावधान में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल भक्त गाजे बाजे डीजे और झूमते नजर आए। वहीं रथ में विराजमान भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सामाजिक बंधु द्वारा, संगठनिक बंधु द्वारा आज हम लोगों ने मिलकर गोकुलधाम कॉलोनी से, बुद्धी मेन मार्केट से, बाजार से शोभा यात्रा निकाली। धूमधाम से शोभा यात्रा में अखाड़े और डंडे और भी झांकी हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण की थी। और सभी श्रद्धालु भक्तगण, बुद्धनी एवं हमारे आसपास क्षेत्र से पधारे सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद करता हूँ। और भगवान बुद्धनी नगरवासी को आभार व्यक्त करता हूँ। कैसे करेंगे लाल की जय। व्रतम के सर्कल जेल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस महोत्सव में खाटू श्याम भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जो कि लगभग 3 से 4 घंटे चला। इस दौरान जेल में बंदियों ने भजन संध्या में उत्साहित होकर श्री कृष्ण की आराधना की। पूरे देश में आज इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम में और ऐसे में रतलाम का सर्किल जेल बताया जा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भी एक कारावास में हुआ था, और रतलाम के सर्किल जेल में भी आज धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी मंशा थी कि इस प्रकार का जन्मोत्सव पूरे सर्किल जेल आदि में मनाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे बंदी कितने उत्साह के साथ खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की प्रत्येक जेल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का निर्णय लिया था, उसके कार्यक्रम में आज हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण का विग्रह के दर्शन पूरे बंदियों को कराए गए, पूरे स्टाफ को कराए गए, और एक भव्य भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया। भजन में हमारे पूरे बंदी भाई लीन हुए, तल्लीन हुए एवं श्री कृष्ण की आराधना में वह जुट गए, और जो वातावरण था वो पूरा श्री कृष्णमय हो चुका था। हमारे साथ एक बंदी भी है, उनसे बात करते हैं। हमने कभी भी जेल में ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। हमारा दूसरे महोदय, हमारे जेलर साहब थे, और से इनके से बहुत ही अच्छा मैसेज हुआ। एक बार फिर से आपको ले चलते मुख्यमंत्री निवास, जहाँ पर श्री कृष्ण उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। नासा ग्रे
Thank you.